क्या और वो ये चीजें उठती क्या है, उसको कंसंट्रेट कैसे करते हैं, उसको उससे बाहर कैसे निकलना होता है। जब तक आपने वो मीठा गुड़ खाया ही नहीं, अब मैं जो विचार आपको पेश कर रहा हूं मैंने खा रखा है, क्योंकि मैंने चोट खाई है, जीवन में संघर्ष किया है, और जिन्होंने धोखा दिया उनसे भी लड़ा हूं मैं, और आज वो मेरे साथ दोस्त हैं, पर मैं कोई बात नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है। हम आत्महत्या कर लेते हैं वो गलत है। अपने आप को जगाओ, अपनी पावर्स को क्रिएट करो, उसको जागरूक करो, पर हम क्या है हार जाते हैं। क्या है जीवन जो हम सत्य विचार करते हैं, जैसे ये बात करते हैं सत्य विचार करते हैं ना, सत्य विचार करते हैं और क्या जो आपके साथ अन्याय करता है स्टडी लाइक आप डॉक्टर आप पता है मेडिकल हर लड़की को मेरे बहुत बार थॉट आता है हर लड़की को साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, आर्ट होनी नहीं चाहिए। जब वो साइंस बैकग्राउंड से पढ़ती है लड़की एक, तो वो जो है काफी अच्छी निकलती है, बिकॉज शी हैज मोर नॉलेज टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, जो कि एक लेडी से ही बच्चा पढ़ता भी है और आगे भी जाता है और चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने देखा है उनमें संयमित रहने की और डिसिप्लिन रहने की हैबिट बन जाती है। ये मैं साइंस आप साइंस वाले से जो भी देखिएगा, साइंस वाली लड़कियां उतनी कुछ निकल नहीं होगी, उतनी गलती वो नहीं करती है जितनी आर्ट वाली करती है, भक्ति नहीं है उतना जितनी आर्ट वाली बन जाती है। आपको मालूम है स्ट्रगल करने का वो बहुत रहता है। मैं ये नहीं कहती आर्ट वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं या क्या, मतलब मोटा मोटी इसमें मेरा मानना डिफरेंट है थोड़ा सा। मेरा ये मानना है, अब पता नहीं इसमें आप लोगों ने कितना रिसर्च किया होगा, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, ये मेरा मानना है कि मैंने साइंस पढ़ा है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, पर मुझे लगता है कि आर्ट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि आर्ट बहुत एक बात बताऊं मैं अभी बहस नहीं करूंगी बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। एक तो टॉपिक है अबाउट साइंस अबाउट आर्ट, अब साइंस पढ़ के आर्ट करो, बिकॉज क्या होता है जब लेडी घर में होती है ना उसको बहुत सारे जो ठीक है मतलब आप यू कांट नो आई एम नॉट जजिंग कि आप आर्ट पढ़ो या वो पढ़ो, मगर आई बिलीव हर लड़की की एक बेसिक वो जो है साइंस से पढ़ के जो निकलना चाहिए, बिकॉज साइंस के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर चीजें होती हैं। आई थिंक यू गो इन टू डीप एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप आर्ट नहीं आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइंस पढ़ के अगर आप आर्ट पढ़ो आप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं क्या बोल रही हूं, आर्ट में बहुत ऐसी चीजें हैं जो यू कैन आई मीन वो एक्सटेंसिव स्टडी करें, अगर आप साइंस के साथ भी करें तो आप कर, लेकिन आप मैंने आप आर्ट पढ़ते हुए साइंस नहीं पढ़ सकते कंपलसरी, मैंने क्या कहा कंपलसरी होना चाहिए जो छोटी क्लास के लिए है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब एक लेडी साइंस करके निकलेगी तो उसका जो मैं आर्ट करके निकली हूँ, मैंने फैशन डिजाइनिंग करी है, देन आई जस्ट गो ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स, मैं कुछ नहीं करती हाउसवाइफ।